कोई कारण है तो कारण समझ के ही जाना है। तो प यहाँ पे है, ध यहाँ पे है, नी यहाँ पे, ये दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए कि प के ऊपर ध है, ध के ऊपर नी है, नी के नीचे ध है, ध के नीचे प है। मित्र नमस्कार, मैं संजय पत्की फिर एक बार आपके समक्ष हाजिर हो रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि सर आवाज़ कैसे लगाना, रियाज कैसे करना, क्योंकि कहीं कहीं वो देखते हैं सुनते हैं कि सा की रियाज कैसे करें, रे की रियाज कैसे करें। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप म्यूज़िक में आए हो तो सबसे पहले कि रियाज कितनी करना, ये बात की बात है, रियाज करना चाहिए। धीरे धीरे रियाज बढ़ते चलती है। क्या होता है कि सबसे पहले की जो रियाज होती है, मतलब जो म्यूजिक में नया आदमी है उसको तो सबसे पहले की सा रे गा मा पा दा नी सा की जगह कहाँ पे है, ये पहले पक्का करना पड़ता है। अब बार बार मैं आपको वीडियो में बोलता हूँ कि आपको पहले सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर उसके बाद में सा नी धा पा मा ग रे सा, इस तरीके से हमारे शास्त्र ने बताया है कि ये आरोह और अवरोह। पर आगरा घराने में मैं जिनके पास में पढ़ा, उस्ताद मुबारक अली खान साहब, उन्होंने एक इसमें नई ट्रिक सोची कि देखो बोले दुनिया में जितने भी गाने चलते हैं वो नीचे के पंचम से ऊपर के गंधार तक चलते हैं, और हम लोग स्पेशली तीन सप्तक का रियाज अलग से करते थे, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो जहां तार सप्तक में फिर अलग से रियाज करना सारे गम प का, मध्य सप्तक का अलग से रियाज करना और मंद्र सप्तक का अलग से रियाज करना, तो ये सब चक्कर छोड़ के अच्छा उसमें एक दूसरा प्रॉब्लम भी ऐसा आता था कि अगर लेडीज और जेंट्स साथ में अगर गाते हैं तो क्या होता था कि एक तो लेडीज को थोड़ा ऊपर आना पड़ता था और जेंट्स को नीचे आना पड़ता था, मतलब काली एक में जब गाना होता था तो काली चार और काली एक का ही संवाद होता है, वैसे ही काली पांच और काली दो। तो काली पांच से लेकर यानी पंचम से लेकर पंचम तक और दूसरे पंचम मध्य सप्तक के पंचम से लेकर ऊपर वाले पंचम तक ऐसे दो सप्तक की स्पेशली रियाज अगर की जाए तो ड्यूएट गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक। दूसरा, जब हम लोग क्लास में बैठते तो लेडीज के लिए अलग बैच और जेंट्स के लिए अलग बैच ऐसा हिसाब करना पड़ता है, वो सब चीजें इस एक तरीके में आ गई है। दूसरा एक तरीका ऐसा है कि बहुत सारे घरानों में ये टाइप चढ़ते हैं, मतलब ये टाइप चढ़े आरोह किए कि वहां से उतर जाते हैं, तो कैसा होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक होता है कि एक दो तीन जाना और तीन दो एक आना। अब इसका मतलब क्या है कि सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा और सानी धा नि धा पा धा पा मा पा मा गा मा गरे गरे सा, इसमें क्या होता है, इसमें हम 1 2 3 इस सीक्वेंस से गए हैं और आते वक्त 3 2 1 से आए, मतलब सारे का 1 2 3 हो गया और गरे सा 3 2 1 हो गया। हुआ क्या कि एक सर्कल कंप्लीट हुआ, अगर 3 के 6 बनते हैं तो इस तरीके से 3 के 3 ही बनते हैं, यानी आना जाना और आना, जाना और आना, जाना और आना। तो गुरुजी ने क्या किया कि नियम सभी घरानों में एक ही है कि जिस सुर से शुरुआत होती है उसी सुर पे एंड होना चाहिए। तो अभी ये तरीके में क्या किया इन्होंने, सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, तो शुरुआत सा से होगी। अब उतरते वक्त उन्होंने ऐसे अगर स्टेप चढ़ते हैं तो ऐसे ही उतरना है, वहां पे मुंह नहीं घुमाना है, तो धनी सा पा धनी मा पा धा गा मा पा रे गा मा सारे गा नी सारे धनी सा। अब यहां पे देखिए एंड सा से शुरुआत हुआ था और एंड भी सा पे हुआ है। घरानों का जो नियम है उसका तो पूरा पूरा तरीके से पालन हो गया है। दूसरी एक बात यहां फायदे की ये हो गई है कि हमारी आवाज हमको पता भी नहीं चला कि नीचे के धैवत तक चली गई है, क्योंकि एक डेडलाइन मिलती है हमको धैवत तक जाना है, वहां से आवाज बराबर सा तक चली है। अब धीरे धीरे सुबह उठ के हमको जो रियाज करना है तो एक एक सुर की रियाज नेचुरली आवाज आपका नीचे कैसा जाएगा, इस हिसाब से उन्होंने सोचा और ये सब तरीका डेवलप किया। क्या हुआ इसमें, इसमें एक ही ट्रैक से जाने से आपको पंचम
धैवत और निशान, मतलब पधनी के, पधनी, पनिध, धपनी, धनिप, निपध, निधप, ऐसे छह टुकड़े मिले। और छह टुकड़े मिलने के बाद में छह भी वहां पे हम प्रयोग में ला सकते हैं, यानी कि दूसरे स्टाइल में जो है उसके तीन ही पलटे यूज होते हैं और अपने स्टाइल के जो है वो पूरे के पूरे छह पलटे। यानी गाना अगर हमारा दो घंटा चलता है तो वो पहली ट्रिक में जो है गाना एक ही घंटा चलेगा। अगर इसका हिसाब हम पैसे से तोले, अगर 2 करोड़ हमने मिला है तो उनको 1-1 करोड़ मिलेगा। यानी आपको वो भाषा समझ में आती है, इसलिए मैं ये भाषा बोल रहा हूं। अगर हमारा रियाज 10 घंटा चलता है तो वो स्टाइल से रियाज 5 घंटा चलेगा, यानी पूरा पूरा हम इसमें यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, दूसरा एक तरीका भी है कि खाली खाली सुर जो बोलते हैं तो खाली खाली सुर नहीं बोलना है, उसको सजा के बोलना है, उसका एक स्टाइल डेवलप किया है। उसका स्टाइल मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस वीडियो में बेसिक रियाज क्या करना है। तो सुबह उठ के हमको क्या करना है, पहले पधनी का रियाज करना है और प्रस्तारों का रियाज सुबह करना है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं आपको, सुबह उठ के आवाज को ऊपर का पंचम के बाद में चल रहा है, धैवत निशा चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा, सुबह सुबह आपकी आवाज थोड़ी मोटी रहती है, जाड़ी रहती है, रात में सोने के वक्त आपके मुंह में हवा जा सकती होगी, मुंह खुला रह सकता होगा, इससे वोकल कॉर्ड की स्वेलिंग आता है, उसके वजह से आवाज सुबह 10-12 मिनट निकलने के बाद में आवाज थोड़ा लगना शुरू होता है। तो उठने के पहले पहले गर्म पानी पिया करो, थोड़ा सा ये रियाज क्या करो। जैसे देखो सुबह उठ के सब प्राणियों को आपने अगर देखा होगा तो वो ऐसा मुंह फाड़ते सुबह उठ के और ऐसे पैर करते, तो ये पूरा उसमें वार्म अप कर लेते क्योंकि दिन भर उनको वो काम करना पड़ता है। यहाँ के जो वोकल कॉर्ड की जो वेंस है, जो नसें हैं, जो स्नायु हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलने के लिए आपको सुबह उठ के, मैंने बताया पहले जो पुराने वीडियो में मैंने बताया कि अवरोही रियाज करना है। अब अवरोही रियाज होने के बाद में हमको बेसिक क्या करना है, तो ये सातों लग गया है पधनी। अब यहां पे सोचो जो नए सीखने वाले हैं, पधनी, अब प की जगह यहां थी, ये आपको माइंड में सेट करना है, खाली बोलते नहीं जाना है पधनी, ये तो फिर सुनने और बोलने से हो गया। क्योंकि क्या होता, हम अनुकरण अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब खुद करने की जब नौबत आती है तो सोचना पड़ता है, फिर सोचने में हम कम पड़ जाते हैं। इसलिए पहले दिन से ही हमको क्या करना है, प यहां पे है, ध, नी, फिर आओ नीचे, प, नी, ध, ध, प, नी, अब ये सुबह उठ के पधनी का रियाज किया, फिर इसको उसके बाद में आज आकार के रियाज मत करना, क्योंकि आकार के रियाज अगर करोगे तो आपको दिमाग में पहले सुर आए हुए है क्या, पक्के हुए क्या, नहीं पक्के हुए। हम क्या कर लेते हैं, पहले दिन से नोटेशन लेते हैं, उसके बाद में आकार लेना शुरू करते हैं। आकार तब तक मत लीजिए जब तक आपके दिमाग में, आपके जहन में सुरों की जगह पक्की नहीं हो जाती। जिस दिन सुर पक्के हो गए आप सोच सकते हो कि अच्छा ये सुर है। देखो एक उदाहरण बोलता हूं, आप जहां भी बैठे हो, आपने कश्मीर देखा होगा या बंबई देखा होगा या समुन्द्र देखा होगा, मैं बोलता हूं कि आपको वहां बैठ के जो चीज पास्ट में घटी हुई है उसमें याद करने में आपको खाली आंख बंद करने से वो चीज जो भी आप सोचोगे याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है, क्योंकि आपने देखी हुई है, आपने देखी हुई है, आपके नजर में आई है, आपके नजर से वो जहन में फिट हो गई है। वैसे ही जब आप पहले दिन से रियाज करोगे तो पहले बीच आपको कोई गुरु बताने वाला नहीं है, कोई आपके साथ में नहीं रहेगा, गुरु बताएगा भी तो 1 घंटे के बाद में आप भूल जाओगे। लेकिन हारमोनियम ये ऐसा गुरु है कि आपका सुर सही हो गया या गलत हो गया वो सच ही बताएगा कि हाँ आप पंचम प लगाएंगे, वो दिखेगा नहीं प, प, तो आपको सही मायने में आपका पहला गुरु हारमोनियम ही है संगीत के अंदर, आपको वो चीज पहले परफेक्ट बताएगा कि नहीं आपका प लगा है कि नहीं लगा है। इसलिए बड़े बड़े लोग बोलते होंगे कि आपको
हारमोनियम के साथ में रियाज नहीं करना है, उसमें 5-6 साल निकल जाएंगे भाई साहब। 2-3 महीने के अंदर आपको अगर सुर पक्के करना है तो पहले आप सुर पेटी पे बजाना है, जैसे उदाहरण के तौर पे, फिर पदनी, फिर फिर धपनी। इसके साथ में आपको उसका ऊपर नीचे कितना है ये भी जहन में फिट करना है, बॉडी में फिट करना है, ब्रेन में फिट करना है। देखो धया पे पया पे नीवा पे, इस तरीके से ध नी प, ठीक है। अब तीसरा नी प ध नी ध प, क्या होता हम लोग किसी के पीछे बोल लेते प ध नी प नी ध ध प नी ध नी प नी प ध नी ध प, इससे क्या हो गया आपने रट लिया उसको। रटना नहीं है, रटेंगे कितना रटेंगे, क्यों रटना है, पहले उसकी जगह दिमाग में पक्की कर लो, बाद में सोच के गाओ। कोई भी चीज सोच के करना, बिना सोच के कोई करना नहीं है। अभी किसी गांव को जाना नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, तो क्यों जाओगे। अगर किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, कोई कारण है, तो कारण समझ के ही जाना है। तो प यहाँ पे है, ध यहाँ पे है, नी यहाँ पे, ये दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए कि प के ऊपर ध है, ध के ऊपर नी है, नी के नीचे ध है, ध के नीचे प है। जब तक ये अपने आप में नहीं सोचोगे तब तक कैसा करोगे। एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको, अगर आप 2 लोग हो और मैं तीसरा आदमी हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैंने उस आदमी को देखा है, मेरे साथ में आपके सामने जो 2 लोग मैंने बोला है उसमें से एक ने देखा है और एक ने नहीं देखा है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे आपसे चित्र उतारना है, चलो निकालो। तो जिसने नहीं देखा है उसको मैं बोलूंगा कि हाँ उसको 2 आंख थी, 1 नाक थी, 2 कान थे, और दूसरा जो है उसने उस चीज को देखा है, उस व्यक्ति को देखा है, देखा है तो क्या करेगा, वो भी वही निकालेगा, 2 आंख 2 कान 1 नाक, लेकिन दोनों के चित्र में फर्क होगा। क्यों, क्योंकि वो जो है जिसने देखा नहीं वो मेरे बोलने के इशारे पे काम करेगा, और दूसरा जो है उसने वो चीज देखी हुई है तो वो अपने दिमाग से वो सोच के कि वो कैसा था, इस हिसाब से वो काम करेगा। तो दोनों के चित्र में 90% जो चित्र मुझे अपेक्षित है वो चित्र जिसने उसको देखा है वो व्यक्ति सही निकाल पाएगा, जिसने देखा नहीं वो भी निकालेगा, पर वो चीज वो व्यक्ति से वो चित्र मैच नहीं होने वाला है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप खुद वो देख के चीज नहीं करोगे तो वो चीज में आपको सक्सेस मिलने की संभावना बहुत कम है। और किसी के बोलने से तो पहले ठीक है, बोलने से 2-3 दिन करेंगे, घर में जाने के बाद में भूल जाओगे, तो साथ में वो चीज जहन में रखना भी जरूरी है जो कि आपके खुद के दिमाग के अंदर उसका कार्य शुरू होना चाहिए, तो ही चीज सही मायने में कर पाओगे। फिर से एक बार बोल रहा हूं, जैसे पधनी के 6 टुकड़े बनते हैं तो हमको पधनिसा के 24 टुकड़े भी इसी तरह से रियाज करना है। अगले दूसरे एपिसोड में मैं आपको पधनिसा के 24 टुकड़े कैसे याद करना, मतलब कैसे याद नहीं करना, कैसे उसको पकड़ के रखना बिना गलती किए, इसका टेक्निक दूंगा। आज के लिए इतना ही सही। प्लीज आप मेरा ये स्वर स्वामी ऑफिशियल चैनल पे जाके ये वीडियो देखना और उसके साथ में रियाज करना। इसके पश्चात मैं ये सब चीज आपको लिख के उसके साथ में इसको कैसे बोलना है, अप्रोच कैसे लगाना है, इसका अभ्यास कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।